हे बॉयज, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पे आज अपन फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन प्लैटिनम। सो कैसे, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया एकदम मजे में होंगे। लेकिन फिलहाल तो कैसे, अभी मैं आ चुका हूँ एनर्मी टाउन पे, जहाँ पे कैसे आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में अपनी वीडियो एंड हो गई थी कैसे डार्क डक्स वुड्स ब्रिज के ऊपर पे। सो कैसे वो सब क्रॉस करके अभी मैं आ चुका हूँ मैनरफील लेक में। तो कैसे अभी फटाफट से जो मैनरफील लेक है उसको अपन एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो कैसे अपन एनर्मी टाउन में अभी एक्सप्लोर करेंगे ही, लेकिन फिलहाल कैसे जो मैनरफील लेक है उसके ऊपर एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि ऐसे मैनरफी लेक पे अपन को हर कोई ना कोई अलग टाइप का बंदा मिल जाता है, जैसे गाइस ये बंदा। तो गाइस ये जो बंदा है उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ तो जानता नहीं हूँ, देखते हैं क्या बात कर रहा है एंड क्या बता रहा है वो मैं आपको समझा पाऊँ। तो कैसे एक्चुअली ये जिम लीडर है लॉरेंस रीजन में, एंड गाइस अपन अभी जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो गाइस इस बंदे ने अपन को HM05 दे दिया है, जो कि बहुत ग्रेट है। मतलब कि कैसे HM05 है अपना लावा सर्फ। अगर आपको पता नहीं है क्या है, तो कैसे आप सब लोग तो जानते होंगे वाटर के अंदर अपने वाटर पोकेमॉन जो है वो सर्व करके अपन को नेक्स्ट सिटी तक पहुंचाते हैं। वैसे कैसे लावा सर्व भी जिसके अंदर अपना चार्जर या फिर ग्रोथलिन अपन को लावा का यूज करते हुए अपन को नेक्स्ट सिटी तक पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल गाइस इसके पास भी चार्जर था जिसके ऊपर वो बैठ के जा चुका है लॉरेंस रीजन के तरफ पे। सो गाइस यहां पे अपन को एक TM11 मिला है जो कि है सनीडे। आई थिंक सो, जितना मेरा एक्सपीरियंस उससे मैं बोल रहा हूं कि जो TM11 होती है वो होता है सनीडे। एंड गाइस ना, मतलब कि अपने जो बैचेस है यानी कि गाइस अपने जो जीरी लेग्यू के बैचेस है 4, वो सबको अपन कलेक्ट कर लिया है। एंड शायद से गाइस आज के एपिसोड में या फिर नेक्स्ट एपिसोड में अपन लोग जाने वाले हैं अपने सेकेंड रीजन के तरफ में, यानी कि लॉरेंस रीजन के तरफ पे। तो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं पोकेमॉन सेंटर में, क्योंकि मेरे पोकेमॉन हील नहीं थे। तो गाइस अभी मैंने अपने सारे पोकेमॉन को हील कर लिया हो एकदम बढ़िया तरीके से। एंड गाइस आज अपने पार्टी में मैंने एक पोकेमॉन की जगह खाली रखी है, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसका रीजन आप सबको पता भी होगा क्योंकि आप लोग मुझे बता ही रहते हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। एंड गाइस ये जो बंदा है वो अपन को HM04 दे रहा है, जो कि गाइस स्ट्रेंथ, दैट्स गुड गाइस। इस गेम के अंदर अपन को ना HMs की, TMs की, पोकेबॉल्स की या फिर कोई रेयर आइटम की अपन को ना परचेस करने की जरूरत ही नहीं, अपन को ऑलरेडी मिल जाती है वो भी फ्री में। वो बहुत सही लगता है गाइस मुझे, क्योंकि जो फ्री की चीज़ें होती है ना वो बहुत सही लगती है। लेकिन फिलहाल तो गाइस अभी जो एनर्मी टाउन है उसको अपन पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। एंड हाँ गाइस, मैं तो आपको एक चीज़ बताना ही भूल गया। तो गाइस आज से ना मैं कुछ मतलब कि स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोग ना वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, मैं किसी भी एक रैंडम कमेंट को लूँगा एंड उस बंदे का नाम ना मैं अपने वीडियो में एक शॉर्ट आउट दे दूँगा। तो गाइस जो आज का शॉर्ट आउट है वो है अपने निशांत भाई। तो निशांत आपको एक बड़ा सा शॉर्ट आउट। लेकिन फिलहाल तो गाइस अभी ये जो बंदा है वो आप उनको एक पोकेमॉन देने वाला है जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे बताया था। तो गाइस ये जो पोकेमॉन है वो है रायलू। एंड रायलू किसका फेवरेट नहीं है यार गाइस, जो रायलू है वो मेरा फेवरेट है एंड आई थिंक गाइस आप सब लोग का ही फेवरेट होगा, क्योंकि जब से हैश ने कैच करा है उसकी तो अलग ही फैन फॉलोइंग बन चुकी है। ऐसे नहीं गाइस कि उसने जब से हैश कैच करा है उसकी फैन फॉलोइंग अलग है, जो अपना रायलू है उसकी तो पहले से उसकी जो रैंक फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, फैन फॉलोइंग मतलब कि बहुत ज़्यादा ही है। एंड गाइस यहाँ पे अपना जो रायलू है वो फिलहाल तो लेवल 10 का है एंड उसको ना गाइस मैं अभी जो एक्सपीरियंस शेयर है वो दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आप सब लोग तो जानते हो अपने जो जरूर रैक है उसे मैंने एक्सपीरियंस शेयर से गाइस कितना ज़्यादा बड़ा कर दिया, उसे इवॉल्व कर दिया जरूर रैक में, जो कि बहुत सही पोकेमॉन बन चुके हैं एंड अपने पार्टी के सबसे परमानेंट मेंबर भी बन चुके हैं, जो कि वो एकदम अलग ही लेवल के हैं। लेकिन तो फिलहाल गाइस अभी आई थिंक यहाँ पे एनर्मी जो टाउन है या एनर्मी टाउन उसको अपने एक्सप्लोर कर दिया है, तो अभी बारी आती है गाइस एम्प्टी स्मूस की, तो चलते उसके अंदर पे। बट इस लड़की से एक बार बात करूं तो बहुत सही चीज हो जाएगी एंड इस लड़की से बात करके कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। बट गाइस सर यहाँ पे जो गोल्ड है वो अपने सामने आ चुका है एंड आई थिंक गाइस सर गोल्ड अपने सामने आ चुका है, तो उसके साथ अपन को बैटल करनी पड़ जाए। तो फटाफट इसके साथ बैटल करते हैं एंड देखते हैं गोल्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। और भाई गाइस सर गोल्ड का है पहला पोकेमॉन बैग मॉटर एंड मेरे ऊपर शायद से 4000 है। तो कैसे अभी ना मैं अपने 4000 को चेंज कर लेता हूँ अपने माइलो के साथ में, बिकॉज अपने माइलो के पास एडवांटेजेस है वाटर टाइप मूव्स का, तो माइलो को अपन निकालते गए सर मैग मॉटर के अगेंस्ट पे। एंड ऑल राइट, इसके एम्बर से ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा क्योंकि अपना जो माइलो वाटर टाइप है, तो हाइड्रो पंप यूज़ कर देते हैं गाइस एंड इस मैग मोटर को फेंट करते हैं वन शॉट में। ऑल राइट गाइस यहाँ पे जो मैग मोटर है वो अपने वन शॉट में यानी कि सुपर इफेक्टिव मूव के वजह से फेंट हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पे अपने रायलू को भी बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस गेन हुई, जिसके वजह से एक न्यू मूव सीख रहा है वो होती है गाइस रिफ्लेक्ट। एंड आई थिंक गाइस जो रिफ्लेक्ट मूव है उसे ना गाइस मुझे किसके साथ रिप्लेस करना चाहिए, आई थिंक गाइस फोर साइड के तरफ रिप्लेस करूँ तो बहुत सही चीज़ होगी, बिकॉज फोर साइड को मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ एंड कौन यूज़ करता है, मुझे नहीं लगता गाइस आप लोग भी करते होंगे। तो गाइस सर यहाँ पे आपने जो रायलू है वो लेवल 12 पे जा रहा है, जो कि बहुत ग्रेट है, बहुत ज़्यादा ही ग्रेट है यार। मतलब कि अपना रायलू तो बहुत जल्दी लेवल हो जाएगा, बहुत जल्दी वो इवॉल्व भी हो जाएगा लुकारियों में, वो बहुत सही सीन है।
ऑल राइट गाइस, इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा? लैरॉन। ऑल राइट गाइस, लैरॉन भी इज टू ओपी पोकेमॉन। मैं जब से डार्करई में इसको यूज कराया मैं तो इसका फैन बन गया है। बट गाइस, आपने चार्जर के सामने ये टिक नहीं पाएगा। एंड क्या गाइस, जैसे मैं बोला यहाँ पे जो लैरॉन है गाइस वो भी बहुत इजीली फेंट हो चुका है अपने वन शॉट में। एंड यहाँ पे गाइस अपना जो राइलू है वो तो बहुत जल्दी लेवल अप हो रहा है एंड वो अभी लेवल 13 पे जा चुका है। मुझे पता नहीं गाइस इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है, बट गाइस यार मैंने यहाँ पे अपने माइलो को बाहर निकाला है एंड इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है। ओ गाइस, ग्रेट ग्रेट गाइस, मैंने सही पोकेमॉन को बाहर निकाला है। तो सबसे पहले गाइस मैं हाइड्रो पंप यूज कर लेता हूँ एंड जो टाइलोस्वाइन है उसको अपन फेंट कर देते हैं क्योंकि वो फायर टाइप पोकेमॉन है एंड अपना माइलो वाटर टाइप मूव है एंड ऊपर से वाटर मूव। तो गाइस यार इसी के साथ में, यार के साथ नहीं मतलब कि इसी के साथ में जो टाइलोस्वाइन है गाइस वो बहुत इजीली फेंट हो चुका है। ग्रेट गाइस, यार गोल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा बन चुका है। बट गाइस अपने पास जो पोकेमॉन है वो उनके एडवांटेजेस के वजह से उनको मैं ट्रेनिंग करने के वजह से अपन इस गोल्ड के सामने जीत चुका हूँ। वरना गाइस जब भी अपना जो गोल्ड है वो मुझे हरा देता है एक समय पे, लेकिन वो बहुत इजीली हार चुका है। एंड गाइस यहाँ पे जो गोल्ड है वो अपन को बोल रहा था कि जो एम्प्टी रूम है वो बहुत खतरनाक सी जगह है, थोड़ी आराम से चलना। लेकिन फिलहाल तो गाइस आप यहाँ पे मेरे पोकेमॉन्स को देख लो, तो अपने जो पोकेमॉन है सबके हेल्थ तो फुल है, तो भी गाइस मैं सब पोकेमॉन को हील करता हूँ एंड आपको यही पे मिलता हूँ। ऑल राइट देन गाइस, अभी मैंने सारे पोकेमॉन को हील कर लिया है एंड अभी चलते गाइस इस केव के अंदर पे। ऑल राइट गाइस, अभी अपन आ चुके हैं एम्प्टी रूम्स में एंड यहाँ पे बहुत से ट्रेनर है जिनके साथ मुझे बैटल नहीं करनी एंड अभी मैं स्काइप भी नहीं कर सकता, आई थिंक सो, बट ट्राई करते गाइस जितने भी स्काइप हो सके अपन उनको स्काइप करेंगे। एंड यहाँ पे पोकेमॉन भी एनकाउंटर हो रहा है, अपन को टॉर्कोल मिल रहा है। बट गाइस नहीं, अपने पार्टी में दो फायर टाइप पोकेमॉन हो चुके हैं एंड अभी मैं किसी फायर टाइप को अपने पोकेमॉन ऐड नहीं करूंगा यार, मतलब कि सही मैं नहीं करने वाला। एंड गाइस यहाँ पे मुझे लगता है रिपेल का यूज करना चाहिए एंड ये रही गाइस मेरी रिपेल, तो फटाफट से यूज करते हैं रिपेल का एंड देन गाइस चलते हैं आगे। एंड मुझे सच्ची बताओ नहीं, जो बंदा है गाइस वो अपने से पूरा 100% बैटल करेगा बट मैं उसके साथ बैटल नहीं करेगा। ग्रेट गाइस, उसकी बैटल तो अपने से स्काइप हो चुकी है एंड यहाँ पे गाइस अपन को एक मूव मिली, पता नहीं क्या चीज़ है बट अपन को एनर्जी पाउडर मिल गया, पता नहीं उसका यूज़ क्या है बट मिला है। ऑल राइट गाइस, अभी अपन को यहाँ से आगे जाना है बट ये बंदा अपन से बैटल नहीं कर रहा। ग्रेट ग्रेट, एंड यहाँ पे गाइस आधे से ज़्यादा जो बंदे हैं वो अपने से बैटल नहीं करने हैं। एंड गाइस यहाँ पे आपको अपना सेकेंड मून स्टोन मिल चुका है जो कि बहुत ग्रेट है। एंड यहाँ पे गाइस इसी लावा सर्फ है, इसी लावा के ऊपर अपन को एक पोकेमॉन को सिखाना पड़ेगा सर्फ। आई थिंक गाइस मैं अपने 4 मिलियन को या फिर 4000 को या फिर गाइस अपने ग्रोथलिन को सिखाऊँ, एक बार देख लेते गाइस। आई थिंक गाइस मैं ग्रोथलिन को सिखाऊँ तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि ग्रोथलिन के पास भी बहुत बढ़िया मूव्स है, तो ग्रोथलिन को सिखाते हैं। तो गाइस यार क्योंकि ग्रोथलिन इसलिए क्योंकि गाइस जो अपना ग्रोथलिन है उसे अपने पार्टी में अपन चेंज करते रहते हैं एंड कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अपन ग्रोथलिन का यूज़ करते रहेंगे। बट गाइस जो चार्जर्ड है वो अपने पार्टी में परमानेंट मेंबर है एंड उसके पास गाइस थोड़े टाइम में फ्लाई वाली भी मूव आ जाएगी जो कि उसको और भी ज़्यादा ओपी बना देगी। तो गाइस उस पैसे में चार्जर्ड को नहीं सिखा रहा, अपने ग्रोथलिन को सिखा रहा हूँ। एंड क्या गाइस यहाँ पे अपना ग्रोथलिन ने लावा सब तो सीख लिया, तो अभी उसका यूज़ करते हैं एंड चलते गाइस यहाँ से आगे, देखते गाइस यहाँ पे अपना ग्रोथलिन कैसे दिखता है इस लावा में। ही गाइस, ये जो ग्रोथलिन है वो तो मुझे रेड फ्रॉगी लग रहा है यार, मतलब कि आप लोग ही देखो ना यहाँ पे जो ग्रोथलिन है अपना वो मुझे पूरा रेड फ्रॉगी दिख रहा है। अपना फ्रॉगी जैसा होता है वैसे ही है बट पूरा रेड कलर में दिख रहा था। सो गाइस वो कोई बात नहीं है। एंड यहाँ पे गाइस अपन आ चुके हैं एम्प्टी शूम में, ये लड़की बैटल करेगी क्या? नहीं, ये लड़की बैटल नहीं करेगी बट कुछ रॉक क्लाइंब के बारे में बात कर रही थी, पता नहीं कब अपन को मिलेगा। एक बार मिल जाए ना रॉक क्लाइंब तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। एंड इस लड़की से फटाफट से बैटल करते हैं एंड एकदम देख लो मेरे पोकेमॉन ऊपर चार्जर्ड है एंड सबके सब हील है। तो गाइस करते हैं इसके साथ बैटल एंड देन चलते हैं गाइस आगे। आई ट्रेन माय बॉडी विद द माइंड, ऑलराइट। ओके, तो गाइस इस बंदी को मैं भारा के अपने सामने एक वाइट बाल वाला लड़का है, पता नहीं कौन है, देखते हैं इसका क्या सिचुएशन है, अपन से क्या बोल रहा है। माय नेम इज जीरो, ऑलराइट। एट द बिगनिंग ऑफ माई जर्नी एज अ ट्रेनर आई थॉट आई न्यू एट ऑल बट आई लर्न मोर एंड ग्रू ऑल्डर्स एंड आई सॉ दैट आई वॉज लॉस्ट इन अ लॉनली एंड सैड वर्ल्ड दैट विल बी आई विल नेवर बी ट्रूथ पीस पीपल विल थिंक्स ओनली एंड ऑल राइट गाइस, मैं समझ चुका हूँ ये जो गाइस जीरो है आई थिंक सो वो विलन है, मतलब कि पोकेमॉन्स के अंदर गाइस यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड में जो जीरो है वो बहुत बड़ा मतलब कि विलन टाइप है, ऐसे ही कुछ तो होता है। बट गाइस यहाँ पे जो गोल्ड है, जीरो के बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं है बट मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये विलन का काम करता है ऐसे ही कुछ। बट गाइस ये तो बंदा अपने लिए बहुत सही निकला, इसने अपन को एक डायनो नाम का पोकेमॉन दिया है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट है एंड बहुत ज़्यादा डोप है क्योंकि जो डायनो है वो ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है एंड उसको यूज़ करने में तो अलग लेवल के मजे आने वाले हैं। एंड गाइस यहाँ पे एक और पोकेबॉल है जिसके अंदर पे अपन को बर्न हील मिली है जो गैट्स ग्रेट। एंड अभी गाइस ये बर्न हील उठाते हैं एंड चलते आगे, बट अपन को इस बंदे के साथ बैटल करनी पड़ेगी यार, मतलब
करनी तो पड़ेगी। लेकिन गाइस सबसे पहले मैक्स रिपल कहाँ पे गई, नीचे थी ना, ए रही गाइस, तो फटाफट से इसका यूज करते हैं एंड देन चलते गाइस आगे। बट इस बंदे के साथ मुझे बैटल नहीं करनी यार, चलो यार कर लेते हैं, देखते हैं इस बंदे का क्या सीन है। ऑलराइट गाइस, इस बंदे को तो मैंने हरा दिया, बट इस बंदे ने गाइस यार मतलब कि लिटरली बोलूँ ना तो मेरी हालत ख़राब करी है। एंड यहाँ पे गाइस यार मेरे पास पोशन कहाँ गई, मैं हाइपर पोशन थी ना, ये रही हाइपर पोशन नहीं चाहिए मुझे, एक मिनट मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ गाइस, बट पता नहीं मैं क्या ढूंढ रहा था, बट कोई बात नहीं गाइस। यहाँ पे गाइस अपना जो जरूर है वो फेंट हो गया एंड हाँ गाइस मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा था गाइस, मैं रिवाइव ढूंढ रहा था, मुझे पता नहीं गाइस क्यों मैं हाइपर पोशन एंड रिवाइव में कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट अभी फिलहाल तो अपने बैग में कोई रिवाइव नहीं है तो कोई बात नहीं। एंड गाइस यहाँ पे एक अपन को एक और रेयर चीज़ मिली है जो कि है टाइमर बॉल, जो कि बहुत ज़्यादा ही ग्रेट है। एंड गाइस अभी अपन आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं होना चाहिए। एंड क्या ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो गाइस अपन अभी आ चुके हैं शायद से थर्ड स्टेज में एंड इस बंदे के साथ बैटल नहीं करनी मुझे। एंड यहाँ पे गाइस अपन को एक और हाइपर पोशन मिली है, बट गाइस यार मुझे यहाँ पे ना रिवाइव चाहिए, रिवाइव मिले तो बहुत बढ़िया काम बने। ऑलराइट गाइस इस बंदी को हरा के मैं आगे चल रहा हूँ, बट ये बंदी बैटल नहीं कर रही तो बहुत सही। एंड ऑलराइट गाइस ये जो बंदी अपने से बैटल नहीं कर रही है एंड यहाँ पे दो दो हाइकर्स यार मतलब कि बैटल करनी पड़ जाएगी। एंड ऑलराइट गाइस यहाँ पे एक हाइकर ने अपने साथ बैटल नहीं करी क्योंकि मैं थोड़ा दूर से निकल गया। एंड यहाँ पे गाइस अपन को एक और अल्ट्रा बॉल मिल गया यार, मेरे पास अगर रॉक क्लाइंब होता ना तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं गाइस आगे तो रूट नहीं है, बट अपन को इस बंदे के साथ बैटल करनी पड़ेगी, तो करते एंड चलते आगे। ऑलराइट गाइस इस बंदे को मैंने हरा दिया यहाँ पे एंड इस बंदे ने गाइस यार मतलब कि नाम कुछ करा तो नहीं है, बस आप मेरे यहाँ पे पोकेमॉन देख लो, मेरी ज़्यादा पोकेमॉन की हेल्थ तो नहीं गलाई, बट मेरे यहाँ पे ज़ोरोराइक फेंट हुआ है ना गाइस, वो बहुत गलत सीन है। लेकिन गाइस यार मैं एक चीज़ के लिए खुश हूँ क्योंकि जो अपना रायडू है वो लेवल अप हो चुका है लेवल 22 पे, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट है। एंड ये क्या हो रहा था गाइस, ओके गाइस यहाँ पे ना मेरे मतलब कि कुछ वीडियो को कट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो पोशंस वगैरह थी गाइस वो मुझे यूज़ करनी थी एंड मेरी बैग फुल हो गई थी, तो गाइस उस पर से ना मैंने एक काम करा था कि कुछ जो मतलब कि आइटम्स होती है वो अपने पोकेमॉन को दे दी। बट गाइस फिलहाल तो यहाँ पे डायमंड आया हुआ है, पता नहीं है अपने साथ फाइट ही करेगा, तो इसके साथ भी फाइट करते हैं, देखते हैं इसका क्या सीन है एंड इसके जो पोकेमॉन है वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। तो गाइस इसका पहला पोकेमॉन है वो पुपिटर एंड अपना पहला पोकेमॉन है चारिजार्ड। तो गाइस यहाँ पे मैं फ्लेम थ्रोर करूँ क्या, चलो फ्लेम थ्रोर करते हैं, देखते हैं फेंट हुआ तो बहुत बढ़िया, वरना कोई नहीं अपना चारिजार्ड तो कर ही देगा। एंड ओके तो गाइस इसकी हेल्थ तो गई है बट वो फेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि उसकी जो अपना पुपिटर है वो भी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है यार, मतलब कि जब टैरेंटियर में इवॉल्व हो जाएगा तो और भी ज़्यादा उपयोग हो जाएगा एंड अपने पास भी तो है, उसको भी अपन को इवॉल्व करना है। लेकिन फिलहाल तो गाइस यहाँ पे जो पुपिटर है वो बहुत इजीली फेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इजीली। एंड इसका जो नेक्स्ट पोकेमॉन है गाइस वो कौन सा है देखना पड़ेगा, सुमोरेट। और राइट गाइस सुमोरेट के अगेंस्ट में मुझे इलेक्टापस को निकालना ही पड़ेगा, बट गाइस सुमोरेट ना अपने इलेक्टापस से फेंट नहीं होगा वन शॉट में, मैं बोल दूँ, क्योंकि जो सुमोरेट है गाइस वो बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है, वो दिखने में उसकी जो डिज़ाइन है ना गाइस वो भी बहुत ज़्यादा सही है। ये अपने होएंस रीजन का पोकेमॉन है गाइस, होएंस नहीं इनावा रीजन का पोकेमॉन है एंड बहुत ज़्यादा ओपी पोकेमॉन है गाइस, अपने हैश के पास भी था बट पता नहीं अपना हैश का इवॉल्व क्यों नहीं हुआ। लेकिन गाइस जो सुमोरेट है मेरे मुझे बहुत पसंद है यार, दिल के करीब तो नहीं है बट वाटर टाइप में गाइस सुमोरेट भी बहुत सही पोकेमॉन है। लेकिन फिलहाल गाइस यहाँ पे अपने सुमोरेट को फेंड कर दिया है एंड अपना जो रायलो है गाइस वो बहुत जल्दी लेवल अप हो रहा है, जैसे मैं आपको बोला वो अभी लेवल 23 पे भी बहुत ज़्यादा इजीली जा चुका है। एंड गाइस अभी आई थिंक यहाँ पे मुझे फिर से अपने चार्जर को ही निकालना चाहिए क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पोकेमॉन है मैंने तो देखा नहीं कौन सा है, बट एक बार देख लेते हैं, वो इलेक्ट्रोवायर है गाइस, इसके सामने तो मुझे चारिजार्ड को ही निकालना चाहिए था क्योंकि चारिजार्ड इसके सामने टिक सकता है एंड आई थिंक अपने पार्टी में कोई ऐसा पोकेमॉन हो इसके सामने टिक जाए, शायद से टिक भी सकते गाइस क्योंकि इलेक्ट्रोवायर को कोई जवाब नहीं है। एंड गाइस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोवायर है अपने वन शॉट में फेंट हो चुका है सुपर इफेक्टिव मूव के वजह से, क्योंकि अपना जो चारिजार्ड है वो है फायर टाइप एंड जो इलेक्ट्रोवायर है गाइस वो तो इलेक्ट्रिक टाइप है, आप सब लोग तो जानते ही है। एंड गाइस आप लोग बताओ मुझे अपना जो इलेक्ट्रोपर्स है मुझे इवॉल्व करना चाहिए या फिर नहीं, एंड वो जो ट्रेड वाला सिचुएशन है वो कहाँ पे आप लोग मुझे बता दो यार, मतलब कि मेरा जो इलेक्ट्रापस है उसे मुझे इवॉल्व करना है बहुत जल्दी जल्दी। एंड गाइस यहाँ पे आई थिंक कि अपन लोग अभी आ चुके हैं रूट 411 पर, जो कि बहुत ज़्यादा ही ग्रेट है। एंड यहाँ से गाइस पूरा मतलब कि ना एक तरीके से सैंडस्टॉर्म आया हुआ है एंड यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, पता नहीं गाइस खतरा तो नहीं आया बट यहाँ पे बहुत से ट्रेनर है जिनके साथ अपन बैटल करेंगे, लेकिन गाइस आज नहीं अपन उनके साथ कल बैटल करेंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से लाइक मारो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। सो गाइस मिलते हैं वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कैसे लाइक मार दो यार, मतलब कि अभी आप ना 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो यार गाइस कंप्लीट करा दो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।